सो मीटर ब्रिज नाम से ही आपको ध्यान में आया होगा, कुछ तो मीटर इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये रेड वाली ना, दिस इज वायर ऑफ 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर की वायर है। ठीक है, सो अब क्या इस वायर का रेजिस्टेंस रहेगा क्या, कुछ वायर का कुछ रेजिस्टेंस होता है? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ रहता है। ओके, सो फॉर यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस which is equal to rho L upon A, ऐसा रहता है। अब देखो material fix तो rho fix, uniform wire है तो area fix, so can I say resistance is proportional to length? ठीक है, material same है तो resistivity same है, uniform wire है तो cross sectional area भी uniform है। So resistance is proportional to length, जितनी ज्यादा length उतना resistance। अब आप क्या करोगे, देखो R क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर R की जगह resistance लिखना चाहिए। R is unknown resistance. S क्या है? S is known resistance. Now the jockey. ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, अगर इनको नाम दे देते हैं तो दिस इज ए, ये पॉइंट बी है, ये मेरा सी है, और ये कहीं ना कहीं डी आएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको ध्यान में आएगा, सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा हो गया क्या, तो देखो ये ए है, ये पॉइंट बी,
ये सी और ये पॉइंट डी। अब आप क्या कर रहे हो? समहाउ आप इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर मूव करके एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एन नल पॉइंट। ठीक है, जॉकी कैन बी मूव ओवर अ वायर ओवर द मीटर ब्रिज वायर सो दैट नल पॉइंट, नल मतलब जीरो, नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, इज ऑब्टेन। अब देखो, अगर गैल्वेनोमीटर, ये बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है ना, ये वाला पॉइंट अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ऐसा हुआ कि नाउ मीटर ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। तो इसके पहले हमने जो लिखा था आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, वैसे ही यहां पर हो जाएगा। अब सिर्फ एडी का रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू इसकी लेंथ एल। क्या सही है? रो इनटू एल अपॉन ए। और सीडी का रेजिस्टेंस, ये इसकी लेंथ विल बी 100 माइनस एल। सही है क्या? हंड्रेड माइनस है तो ये रेजिस्टेंस रहेगा रो 100 माइनस एल अपॉन ए। क्या सही है? अब देखो क्या हो गया, आपका अननोन रेजिस्टेंस सिर्फ एक लेंथ मेजर करने से आपको मिल जाएगा, और रेजिस्टेंसेस एडजस्ट करना, ये सिर्फ इसके ऊपर आपको ये पॉइंटर को मूव करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो देखो उस केस में हम लिखेंगे एट बैलेंस कंडीशन आर बाय एस, आर बाय एस इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एडी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सीडी, ये आ जाएगा रो रो बाय ए, इसको आरसीएम कहा है, इनटू लेंथ एल, और यह आ जाएगा आर सी एम इंटू इसकी लेंथ 100 माइनस से। ये आ गया एल अपॉन 100 माइनस से, तो ये बन गया आर बाय एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और एल कैसे मिल जाएगा आपको? इस जॉकी को, ये जो जॉकी है ना हमारी, ये वायर के साथ कनेक्टेड है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर है, इसको एडजस्ट करते करते, इसको एडजस्ट करते करते आप नल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं है। क्या सही है क्या? आराम से आपका अननोन रेजिस्टर आर, आप सिर्फ
ये लेंथ मेजर करके निकाल सकते हो। अब जनरली ऐसा किया जाता है एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ये एस को ऐसे एडजस्ट करना सो दैट नल पॉइंट 50 मिड पॉइंट के आजू बाजू में कहीं ना कहीं आना चाहिए, एकदम एक लेन 10 एंड दूसरी 90 ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस खत्म। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, आया क्या ध्यान में? रेजिस्टेंस के जगह वायर है और वायर का रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर उस वो वायर यूनिफॉर्म है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म है। तो इस प्रकार से सिर्फ एक लेंथ मेजर करके, सिर्फ एल की वैल्यू मेजर करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।